तो कोई स्वागत है, ये मेरे पास है थिएटर में यानी कि सिनेमा हॉल में चलने वाला कैसेट। ये देखिए, इसे प्रिंट भी कहा जाता है। ये एक नहीं, ऐसे और चेयर है, चलिए उसे भी मैं ले आता हूँ और इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 7 कैसेट है। 7 कैसेट यानी हर एक कैसेट में अलग अलग फिल्म है, ऐसा नहीं है ये सब मिला के एक फिल्म बनता है। मैं कैसेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको एक्चुअल प्रिंट बोलते हैं, प्रिंट बोले तो आपको समझ में आएगा, इसलिए कैसेट बोल रहा हूँ। सभी मिलाकर एक फिल्म बन जाता है जो कि थिएटर में दिखाई जाता है। और इस प्रिंट में है एक फिल्म जिसका नाम है ईशा। ईशा एक कन्नड़ा मूवी है। तो चलिए सबसे पहले ये जो है सारे इसे खोलेंगे और अंदर का जो व्यू है मैं आपको दिखाऊँगा। ये सभी सीरियल नंबर इस पर लिखा होता है, कौन से रील के बाद कौन सा रील चलाना है। अगर आगे पीछे हो गया तो फिल्म भी आगे पीछे हो जाएगी। एक, ये देखिए, ये दो, सात, तो देखिए ये जो रील है इसी रील के अंदर फिल्म कैद होती है। तो ये मेरे पास कैसा आया होगा आप सोच रहे होगे। तो पहले मैं कुछ साल पहले असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था फिल्मों में, अब छोड़ चुका हूँ। और ये जो प्रिंट है, ये जो फिल्म है, हुबली से मैं लेके आया था, लगभग 9 से 10 साल हो गए ये मेरे पास ही है। तो हमारे सर ने कहा कि मेरे पास ही रखो तब तक। और ये जो फिल्म है ईशा फिल्म, ये 2006 को रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें शोभराज और तारा जैसे आर्टिस्ट काम किए हैं। तो इस फिल्म के 2-3 क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು, ಕಸ ಹೊರಗಿದ್ರೇನೆ ಚಂದ. और इस फिल्म के जो सॉन्ग है, SP बालसुब्रमण्यम और चित्रा जैसे सिंगर्स गाए हैं। अब धीरे धीरे करते ये जो रील्स है ये बंद हो रहा है, इसकी जगह आ रहा है UFO, जिसके जरिए बहुत सारे लोग फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से जो प्रिंट है मेरे पास था, तो घर में कुछ साफ सफाई चल रही थी तो उस पर मेरी नज़र पड़ी और सोचा कि इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो थिएटर में फिल्म दिखाने के लिए ये होता है कैसेट। जब थिएटर में फिल्म चलती है उस वक्त जब एक रील ख़त्म होती है तो दूसरा रील जो है वो लगाना पड़ता है। जब वो काम चालू रहता है उस वक्त तो जो स्क्रीन पे कुछ रेसेस ब्लैक वगैरह हो जाता है तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लोगों को क्या लगता है फिल्म का कुछ सीन जो है वो काट दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, जो रील है रील के ऊपर अगर क्रैचेस वगैरह आ जाए वो भी जो पर्दा पर्दे के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसलिए अब UFO आया है तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था प्रिंट रील या फिर थिएटर में का कैसेट बोल सकते हैं आप उसे। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।